अपने ना प्लान ऐसे होते हैं, नजर बहुत लगती है यार हमें। सारा खेल ना नजर का है, हमें नजर लगती है, पता नहीं क्यों लगती है। कौन लगा रहा भाई नजर? यार ऐसे मत करो यार, आप ही के भाई हैं भाई। हो गया पर्ची बन गई। ड्रोन यस, ये चलेंगे हम लेने। ठीक है भाई, इन्होंने गेमबाजी कर दी। एंड भाई ये एप्पल शोरूम वाले इन्होंने फोन तो रख लिया। ओए लॉन्डो, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग लॉस्ट विद राहुल। यस आई नो, वीडियो बहुत दिन बाद आई है, लाइक 7-8-10 दिन का गैप लेगा, लेकिन मैंने उसके बीच में शॉर्ट्स डाले हैं। और सीन क्या है कि मेरे को सबसे अच्छी चीज क्या लगी, मेरे पास ना बंदों के कमेंट्स आए ऑन इंस्टा, एंड एक तो बहुत मस्त कमेंट आया ऑन यू कैन से यूट्यूब। भाई ने कुछ ऐसा लिखा कि चीता फैम ना आपका डेली व्लॉग का जोश ठंडा नहीं होने देगी। मैं बता रहा हूँ डेली व्लॉग करो, पर मैं आपको बताऊँ व्लॉग जो मैंने नहीं डाले या फिर मैंने उसके अलावा शॉर्ट्स डाले, तो उसका सीन सिर्फ इतना था, थोड़ा सा ना अपना भी काम होता है। मैंने 5-7 साल एक्टिंग में दिए, तो थोड़ा सा मैं एक्टिंग में उलझा हुआ था। मतलब ऑडिशंस प्रिपेयर करने पड़ते हैं, उसके लिए कैरेक्टर प्रिपेयर करना पड़ता है, तो उसमें ना आप साथ और सब चीजें एडिटिंग नहीं कर सकते। आप ना कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, अगर उसमें मेरा कुछ सीन बन गया तो भाई चांदी है। एंड हमें उस चीज के लिए चाहिए आप लोगों की विशेष। मैं अब आपको ले जाने वाला हूँ एक ट्रिप पे, एक राइड पे, जिसमें हमारे साथ बहुत कुछ अच्छा हुआ और बहुत कुछ बूम बाम उल्टा पुल्टा भी हो गया। तो एंड अगर आप चैनल नए हो प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल। शॉर्ट्स डाल रहा था यार मैं, शॉर्ट्स देखो और शॉर्ट्स को भी प्यार दो यार, मजा आया। बूम बूम हमारे दिन की शुरुआत। एंड भाई सबसे बड़ी मुसीबत जो हो रही थी ना, वो इसकी हो रही थी। ये जो आपको दिख रहा होगा ना छोटा सा, ये मैंने मंगाया 3 एक साथ, वो भी कोलकाता से, क्या डायरेक्ट इम्पोर्ट हो गया है। मतलब समझ रहे हो कितने लेवल की बात है ये। इसको मैंने फिर टेप से चिपका दिया, ये हिल रहा था, चिटर चिटर हो रही थी, अदरवाइज एक ईयरफोन में आवाज चली जा रही थी, जिसका क्योर नहीं है। तो भाई चलते हैं। आईफोन नहीं दिला रही तुम? कह रही मैं आईफोन नहीं दिलाऊंगी, मैं ड्रोन दिलाऊंगी और एक निंजा ZX-10R। कौन सी वाली हो ये? 18 लाख ड्रोन यस, ये चलेंगे हम लेने। ठीक है, वैसे हम ले तो अभी भी सकते हैं, पर नहीं हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ नहीं 70-80 का है, तो तू ले ले अभी। ये होती है माँ। एंड चीता फैम मैं अभी आपको बताता हूँ हमारा प्लान क्या हुआ। तू निकल, मैं तेरे को कैच कर लूंगा। ठीक है, 11:30 करीब बजे मैंने भाई को बोला तू गाड़ी डाल दे सर्विस पे। एंड यू गाइस स्टे कनेक्टेड, एक नंबर मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल। अब मैं भी आपको बताता हूँ हमारा आखिरकार प्लान है क्या। पहले मैं ना अपनी बाइक के औजार हथियार निकलवा दूँ। ये भैया जरूर हंसते हैं मुझे देख के। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इसका ये उतरवाने वाला हूँ, इसका हैगर उतरवाने वाला हूँ। मतलब इसको निकाल के अभी यहीं रख लो, और ये भी निकाल दो पीछे वाला जो है स्टैंड सा। हमने सोचा है कि हम जा रहे हैं भाई घूमने के लिए फिर से उत्तराखंड, और लंबे डिस्टेंस पे। तो मैं इसलिए रिवील नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो होता है नहीं होता है वाला सीन हो जाता है थोड़ा सा। तो मतलब एक बहुत लंबे डिस्टेंस का उत्तराखंड का प्लान बन रखा है, तो हम अगर निकलेंगे ना तो कल निकलेंगे। और मैंने अपना वो जो GoPro का निकाला, उसकी वजह से आई गेस आवाज़ अच्छी आ रही होगी, आई होप सो। ओम नमः शिवाय। एंड चीता फैम आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, ऐसे हंसते खेलते मुस्कुराते हैं, आपके मम्मी पापा भाई बहुत खुश रहे। हमारी गुड विशेष, चीता फैम हमेशा आपके साथ है। अभी मैं जा रहा हूँ सर्विस सेंटर, गाड़ी की सर्विस करानी है, क्योंकि हम लोग निकलेंगे ना तो गाड़ी बाइक दोनों लेके निकलेंगे, और ज़्यादा होगा तो गाड़ी वहीं लगाएंगे देहरादून में कहीं पे, और वहाँ से एक और बाइक उठाएंगे। अभी इतना सारा काम है ना आज, एक गाड़ी की सर्विस करानी है, दूसरा आईफोन के लिए जाना है, और तीसरा जो सबसे कैड जरूरी काम है वो है भाई एक शूट है। तो वो आज नहीं होगा ना तो फिर कल करूँगा वो शूट। और जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ गाड़ी ले जाने का इसलिए फ़ायदा है, ताकि सारा का सारा सामान जा सके। अदरवाइज़ बाइक पे ना बैग वैग रख के चलना, फिर वो सब स्टैंड लगाना, वो ना मतलब बहुत ज़्यादा हैवी सा हो जाता है। लेकिन मज़ा उसमें भी है, अलग लेवल का मज़ा है। मैंने गाड़ी की ना ऑलरेडी पहले बहुत सारी सर्विस डाली है। लाइक आप अपनी हुंडा है, अगर आपके पास कार है, हुंडा की कोई सी भी है, इवन औरा है, तो फिर तो और बढ़िया है। तो आपको ना प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा हर चीज़ का कि आप किस तरीके से सर्विस करा सकते हो। मैंने ना एक चीज़ बहुत ही विस्तार से बताई हुई है गाड़ी की सर्विस से रिलेटेड, क्योंकि ना मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो फंस रही है ना, वो फंस रही थी आईफोन की। तो मेरा मन था आईफोन 14 ले लूँ, लेकिन आपको पता ही है फंस रखा हूँ यार। चीता फैम आपका सपोर्ट चाहिए बैंग, बस बीच में थोड़ा सा मैं टप्पे खा गया था। अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ यार, समझ रहे हो, मतलब जिस काम के लिए मैं बना हूँ, पैदा हुआ हूँ, वो काम नहीं करूँगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना। भाई ये कौन सी कार है? ये तो मैंने पहली बार कंपनी देखी है, ऐसे एरो बन रहे हैं इसमें ऊपर की तरफ। इट इज़ सिट्रोइन, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, सिट्रोइन पता नहीं कौन सी गाड़ी है। जो मुझसे पूछता है ना कि CNG कार पहाड़ों के लिए कंफर्टेबल है, अफोर्डेबल है, कैसी परफॉर्मेंस है, भाई बेहतरीन गाड़ी है। मैंने उसका रिव्यू भी दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, मतलब सर्विस दे रखी है। वैसे वाला रिव्यू नहीं दे रखा कि गाड़ी कैसी है, इतना टाइम नहीं मिला मेरे को। मुझे बस कुछ दिक्कतें आई हैं गाड़ी में, ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई। और आप चाहते हो अगर मैं गाड़ी का रिव्यू दूँ अपनी गाड़ी का और बताऊँ क्या दिक्कतें हैं, तो भी मैं बता दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एंड ये भाई दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन, इसके नीचे ये जस्ट सामने हिमगिरी, और इसके नीचे भाई खाने वाने की इतनी बढ़िया जगह है ना, मतलब आप यहाँ सर्विस कराने आ रहे हो ना, अगर लाइक हुंडाई की इन सब चीज़ों की खाने की टेंशन नहीं है भाई। भाई गाड़ी तो यहाँ खड़ी है, क्या गंदी हो रखी है ना एंकर। मैं भी बता रहा था इसका ना ब्रेक शू चेंज होगा, 50,000 पे जाके ब्रेक चेंज हुए इसके शूज़ जो होते हैं। चलते हैं, अपना भाई यहीं होगा कहीं। ये बैठा लौंडा, क्या कह रहे? हो गया पर्ची बन गई। गाड़ी तो बहुत है अभी भी इन पे 1 2 3 भाई साहब लाइन है 1 2 3 4 5 6। वही देखो ये कस्टमर लॉन्च है, सामने बैठने की जगह, वहाँ बैठेंगे, वापस आके थोड़ा एसी चलता रहता है, इस बात का सुकून है। एंड भाई देखो यहाँ पे ना फोर्ड का शोरूम था जो कि बूम हो गया इंडिया से, और ये है महिंद्रा, और महिंद्रा की नहीं स्कॉर्पियो है, कोई स्कॉर्पियो एन करके। आई वॉज वॉचिंग दिस, ये देखो ये जो खड़ी है ना, मुझे तो समझ नहीं आ रही कैसी गाड़ी है ये, अजीब सी लग रही है बहुत ज़्यादा, पता नहीं। इसके ऊपर की शायद अगर ये जो लाइट है ना, जो पीछे टेल लाइट है, ये खींचते नहीं ना तो भाई एकदम अलग सी लुक आती है इसमें। एक छोटी सी थार लग रही है, बढ़िया। अंकल क्या ढूंढ रहे हैं थार में। एंड भाई गाड़ी की हालत देख रहे हो कैसी हो रही है। टायर ना नए हैं, ये भी नया टायर लगवाया था मैंने। ये ना बच्चे देखो कैसे स्क्रैच लगाते हैं, हमारे सामने स्क्रैच है, यहाँ से लाया, यहाँ से घसीटते हैं बच्चा, और ऐसे घसीटते हैं, और ऐसे डिज़ाइन बनाया। बस इसकी ना किट किट देख लेना एक बार आप, हाँ एक बार चला के ना, पता नहीं क्या चीज़ है इसमें, कुछ ना आवाज़ आ रही है। भाई अगर आप बोलो ना कि रिव्यू देना है मतलब गाड़ी का किसी चीज़ का, तो मुझे बताना, आई विल मेक रिव्यू ऑन इट कि गाड़ी लो सीएनजी और चलाओ पहाड़ों पे दबा के, तो क्या इसकी परफॉर्मेंस है और क्या चीज़ है। इसमें ना 1-2 गड़बड़ है वो मैं बता सकता हूँ आपको, बाकी ज़्यादा गड़बड़ तो नहीं है, 1-2 माइनर्स ही हैं। तो भाई फाइनली अपन ने गाड़ी तो दे दी, और एस्टीमेट ना अपना ऐसे बैठा जैसे कि 1-2 करोड़ रुपए का नहीं बैठ जाता भाई उनने इतना एस्टीमेट बिठा दिया जिसका कोई हिसाब नहीं। हम क्या करते थे, दी गाड़ी, घर चले गए, वापस आई, उठाई, हमें नहीं पता गाड़ी में क्या हुआ, पर अब मेरे को पता है गाड़ी में क्या हुआ। तो आप अगर सर्विस कराओ ना तो देख लो भाई गाड़ी में क्या होता है, आइडिया हो जाएगा एक बार में। ब्लॉग से आइडिया हो जाएगा क्या बदलवाना चाहिए, ब्लॉग से आइडिया हो जाता है। लाइक मैंने जो ब्लॉग डाला ना वो एकदम विस्तार में डाला, ये और ये बदलता है, बात खत्म। चलते भाई यहाँ से निकालते अपनी बाइक और बूम करते हैं, और हमने ये सब निकलवा दिया। और मैं सोच रहा हूँ इसमें टेल टाइडी लगवाऊँ, फिर लगेगा पीछे से ना थोड़ा टायर बड़ा बड़ा सा इसका। ओहो, एक पंगे थोड़ी है जिंदगी में। ओ भाई देखो कितना प्यारा लग रहा है। मैम को गाना तो सुना दे, बदमाश छोरा बदमाश छोरा। गुजर लौंडा चल गया ना अपना। ये देख लो भाई नई वाली और कितनी बढ़िया आ रखी है। इसमें सीएनजी में ना टॉप मॉडल डाल दे इन्होंने, वरना मैं भी टॉप लेता। जब कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस में लॉस लेता है ना, तो वो उसको ना अपना लॉस को ना एक कॉस्ट में गिनता है, उसको लर्निंग कॉस्ट में डाल देता है कि अगर आपका लॉस हुआ या कोई दिक्कत हुई, दिस इज द लर्निंग कॉस्ट। तो ये भी अपनी लर्निंग कॉस्ट चल रही है अभी। अभी तो जिंदगी शुरू हुई है मेरे दोस्त, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। अपने ना प्लान ऐसे होते हैं, नज़र बहुत लगती है यार हमें, सारा खेल ना नज़र का है, हमें नज़र लगती है, पता नहीं क्यों लगती है। कौन लगा रहा है भाई नज़र, यार ऐसे मत करो यार, आप ही के भाई हैं भाई। भाई सामने सेंटर, और फाइनली हम देख लेते हैं हमारा फ़ोन का क्या होता है, कि हमें नया फ़ोन लेना पड़ेगा, ये फ़ोन ठीक हो जाएगा, क्योंकि कैमरा वैमरा इसका ठीक हो चुका है, सब चीज़ बढ़िया चल रही है, बूम बाम है सब कुछ हिसाब। मतलब इसके अंदर जो भी दिक्कत आ रही थी ना, पानी पूनी की, इन सब की जो ये बोल रहे थे, सब गायब है, कोई दिक्कत नहीं है, बूम बाम है। चलते हैं मैटर देखता है। तो भाई मैं कैमरा लूँगा सीधा बड़ा सा, सही चल रहा है इसका, देखिए भाई इन्होंने गेमबाजी कर दी। एंड भाई ये एप्पल शोरूम वाले इन्होंने फ़ोन तो रख लिया, स्पेयर फ़ोन भी नहीं दिया सालों पे, इन पे खुद ही नहीं है। मतलब मैंने कहा मैं कैसे यार सर्वाइव करूँ बिना फ़ोन के। अब हमारा कल का मस्त प्लान है, बट हमारे पास शूट करने के लिए आईफोन नहीं है बस, और तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब है, एक प्रोमैक्स है, कोई दिक्कत नहीं, उससे देखेंगे। पहले उठाते बाइक, चलते हैं सर्विस सेंटर, या पहले उठाते बाइक वहाँ चलें एग्जॉस्ट लगवाने। हाँ मन तो कर रहा है बाइक उठा के एग्जॉस्ट लगवा लें, या बाइक उठा के सर्विस सेंटर। तो भाई अपन ने फाइनली फ़ोन तो दे दिया, और ये क्या कर रहा है सुपर हीरो सीन सारा ये फंस रहा है कि वो कर रहा है। 1 हफ्ते का टाइम लगेगा, मुझसे खुद कहता है इसके पीछे ना डेंट है और ये साइड में ना गैप है। और लाइक ये डेंट पहले भी था, जब तूने इसकी सर्विस की थी, खोला था, उसके बाद तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि इसमें डेंट है, गैप है। भाई इनके लेवल के काम होते हैं आईफोन वालों के, और इनके पास तो क्या है, कोई भी फ़ोन हो, कोई भी हार्डवेयर हो, दे आर लाइक ये रिप्लेसमेंट होगा, इसमें ठीक नहीं हो सकता। एक तार भी छिड़ रहा होगा ना अंदर, छोटा सा तार जिसको ऐसे टच कर सकते हैं, वो भी रिप्लेसमेंट होगा, ये ठीक नहीं होगा। आईफोन 13 लें, आईफोन 14 लें, या फिर ड्रोन। तो भाई पहले यहाँ से निकलते हैं घर, लैपटॉप उठाता हूँ, एडिटिंग बच रही है मेरी थोड़ी सी, उसको करके फाइल अपलोड करते हैं। आज मेरा मन था 2 फाइल अपलोड करनी थी मुझे, एक और करनी थी। हाँ यार भाई लोग क्या करते हैं ना, कंटेंट क्रिएट करते हैं, प्लान करते हैं। मेरा क्या है, जिंदगी में इतनी तबाही चल रही, इतना फ्लो में आया था मैं डेली व्लॉग को लेके, फ़ोन नहीं था रुकने का रीज़न, मैं सकता था डेली व्लॉग, लेकिन मुझे थोड़ा सा और एक चीज़। अंकल क्या सीन था ये चमकते सफ़ेद कपड़े, एड की एड में आ गया था ना मैं, एकदम से ऐसा लगा मुझे जैसे मैन। फिर हम बाइक भगाते हैं और हमें सुकून मिल जाता है, फिर सामने बस आ जाती है और हम रोक लेते हैं। भैया देख रहे हो गाजियाबाद की इतनी कैड कैड कोठियाँ हैं ना, यहाँ पे मैं आपको एक आधी कोठी दिखाऊंगा ना, यहाँ पे एक गुजर मेंशन बनाया हुआ है भाई साहब, इतना प्यारा है ना, और एक मज़ा आ जाता है देख के। भाई इसमें जो एग्जॉस्ट है ना वो स्टॉक है, एकदम नॉर्मल है, पता है उसकी आवाज़ ना एकदम ऐसे आती है जो लास्ट मोड़ते ना, वो इतनी प्यारी लगती है ना आवाज़, मज़ा आ जाता है। मैं तभी इसका ना एग्जॉस्ट बदलवाने का मन नहीं करता। इस डिस्प्ले पे अपनी ऐड लगवाते हैं ना, कि यहाँ पे अपने चैनल की ऐड वैड लगा सकते हो आप सोसाइटी में। वो माम आदमी ऐसे डाल दिया, ये तो डालूंगा मैं। किसका बच्चा है तू, किसका बच्चा साले, नींद में हो रहा है, इसको तो बस सुला दो, मस्ती करवा दो, सुला दो। लौंडो। ये देखो छोटे बच्चों के शौक अलग ही होते हैं। भाई अपनी गड्डी अंदर तो एंटर कर गई मेरे ख्याल से, यहाँ तो खड़ी नहीं है, वॉश भी हो गई मेरे ख्याल में। कहाँ खड़ी है देखे यू? गाड़ी नहीं दिख रही यार कहाँ हमारी, यहीं पे उसकी मेरे ख्याल से वो वॉश हो गई, क्लीन हो गई, सब चीज़ तो सेट है। पूरा दिन और कितनी तबाही करनी बाकी थी। शुक्र है कार हमें किसी कोने में सर्विस होते हुए मिली। भैया ने पता नहीं क्या तिकड़मबाजी की, एक बार में सारा का सारा इसका ऑयल और मोबिल ऑयल व्हाटएवर इट इज गायब। ये देख लो भाई, ये हैं इसके ब्रेक शू जो मेरे सामने है बिल्कुल, और यही चेंज होंगे मेरे ख्याल से क्योंकि ना बहुत चल गई गाड़ी। तो ये यहाँ से देखो इसकी डिस्क बिल्कुल खत्म हो चुकी है, वरना ये डिस्क को खाना लगेंगे। ये हमने देखे अपनी गाड़ी के डिस्क ब्रेक, और मैं दिखाता हूँ, ये देख रहे हो, ये एक्सपेरिमेंटल जैसे हम लैब में नहीं देखते स्प्रिंग लगा के गोल गोल डिस्क, फिर हमें पता चलता है ये है ड्रम ब्रेक। डिस्क नहीं, ड्रम, जो पीछे वाले टायर के ब्रेक है। भाई देखो मस्त दिखाता हूँ आपको एक, ये देखो, ओ भाई गलत मजा आया। फिर मैं बैठा रहा वेटिंग एरिया में क्योंकि भाई वीडियो भी तो एडिट करके डालनी है। वैसे थोड़े दिन बाद वीडियो आ रही है बट कोई बात नहीं, हम करेंगे बैंग बूम बाम भाई रेगुलर। इसके बाद का बवाल, हमने सोचा कुछ खाने चलते हैं और मेट्रो स्टेशन जाने की जगह अंडरपास में चले गए, जस्ट बिकॉज हमें लगा ये मेट्रो स्टेशन का रास्ता है। अरे यार रोड क्रॉस कर लिया हमने बिना बात के, हमें लगा मेट्रो के अंदर जा रहे हैं। भाई कैसा आदमी, मैंने कहा कहीं और चलना, ऊपर तूने कराया साले, तू लेके आया, आप नीचे निकलते हैं। फिर हम खाना ढूंढने के लिए सीधा मेट्रो स्टेशन ही पहुंच गए और हमें वहाँ मिले सिर्फ सेंसर लगे गेट। फिर हम आए हल्दीराम, हमने सोचा यार कुछ हल्का खाया जाए, और फाइनली चाहते या ना चाहते हुए हमारी जिंदगी हमें घुमा फिरा के ले आई वहीं बर्गर किंग। एट लास्ट पता नहीं क्यों तारक मेहता का उल्टा सुल्टा चश्मा देखा, पता नहीं क्यों तारक मेहता का टेढ़ा मेढ़ा गिरता उल्टा चश्मा देख रहे हैं। छुप गया दिन, छुप गई शाम, सब चले गए, सारी गाड़ियां खत्म, मैं अकेला बैठा हूं। एंड अब तुम्हारा भाई जाने वाला भाई जिम, मैंने पहले बहुत जिम की थी, ये तो शर्म आगे दिखा। हाँ भाई फाइनली पैकअप हो चुका है, मतलब मेरा इस जगह से, और फाइल अपलोड करनी है, थोड़ी सी रह गई है। 5G 4G तो देनी ढंग से सालो, 3G भी नहीं चलता, 5G। एंड जी तो हम, अगर आप नए हैं चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल। चलते हैं बाइक पे, बूम करते हैं, कल से हमारी एक और मस्त राइड स्टार्ट है। एंड जी तो फैम, मेरा ना मन था कि मैं यहाँ ऊपर जाके ना देख के आऊँ कौन सी नई गाड़ी आ रखी है इसमें, क्योंकि नीचे तो पूरा पूरा सर्विस का है। बाकी चलते हैं, ओम नमः शिवाय, बाइक स्टार्ट। इसमें फ्यूल भी डलाना है, घर चलते हैं, वरना खाने का तो ऐसा है ना कि फिर मेरी वीडियो भी रह जाएगी, है ना, घंटा भर खराब होगा। एंड जैसे मैंने पिछली बार आपको प्लान बताया था ना कि मेरा यहाँ से प्लान था, फिर देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, एंड देन पहले वहाँ बना हुआ था मेरा केदारनाथ, फिर बन गया था हेमकुंड साहिब, उसके बाद हिमाचल, चक्रौता, ये सब बहुत बड़ा प्लान था मेरा। वो सारा का सारा प्लान ना एक बारिश ने बूम बूम कर दिया। जैसा ही मेरा फ़ोन का गड़बड़ हो रखा है तो फ़ोन गया हुआ सेंटर पे, ले सकता हूँ मैं नया फ़ोन, बट मेरे को ना ऐसा है कि ज़रूरत नहीं है। अगर मेरा फ़ोन ठीक हो जाए ना तो फिर मैं और चीज़ें वो कर सकता हूँ, ले सकता हूँ। एक तो ये मेरी पार्किंग भयंकर, ये सरकारी पार्किंग है साला, गाड़ी तो मैं क्या खड़ी करूँ ऊपर, बाइक ही खड़ी करने की जगह नहीं है। क्या हो गया पतापति, पताकों से डर लग रही तेरे को? पताकों से डर लग रही है? घर के बाहर नहीं जा रहा भी है, पताकों से डर लग रही है, से बाहर पुटुक पुटुक हो रहा है। छोटे को पताकों से डर लग रही है, मुझे एडिटिंग करनी है, छोटे छोटे मुझे एडिटिंग करनी है, छोटे कोटली 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 ओ कोटली कोटली कोटली।